जनूबी पंजाब भर में यंग डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल, आउटडोर बंद, मरीज परेशान। उधर एमएस नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान का हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा फैसला। ड्यूटी की बजाय हड़ताल या मुजाहरे में शरीक डॉक्टरों को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म, मरासला जारी। भावलपुर में गर्मी में इजाफे के साथ गैस्ट्रो के मरीजों में भी इजाफा हो गया। 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो में मुब्तला 180 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में लाए गए। विक्टोरिया में 130 जबकि सिविल अस्पताल में 50 मरीज दाखिल। जनूबी पंजाब के रमजान बाजारों में तीसरे रोज भी चीनी और आटे की किल्लत। डीजे खान में लीमू नायाब। हारूनाबाद, मुजफ्फरगढ़ के रमजान बाजारों में चीनी का बहरान, जबकि बहावलपुर के रमजान बाजार समेत यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब। चोलस्तान के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में सहूलियात का फुकदान। स्कूल चारदीवारी और क्लासरूम से महरूम। बच्चे गर्मी में दरख्तों के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। 300 से ज्यादा बच्चों के लिए स्कूल में सिर्फ 4 क्लासरूम्स मौजूद। असातिज़ा की कमी से बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दांव पर। नगरी लाहौर में खुदकुश धमाका। दाता दरबार के बाहर धमाके में 11 अफराद शहीद हुए, 28 जख्मी। मुल्तान के मोहम्मद रफीक, उनका 8 साल बेटा अहमद और कजन मुश्ताक अहमद खालिक हकीकी से जा मिले। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, सीपीओ इमरान महमूद, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक और जाबिर इंसारी समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की शोहदा के लवाहकीन से धारे ताजियत। शोहदा पैकेज के तहत 10 लाख रुपए फी फर्द देने का ऐलान। रहीमिया खान में ग्रीन एंड क्लीन पंजाब की मुहिम नाकाम। अबासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर गंदगी के अंबार। इंतजामिया की जानिब से सफाई के इकदाम नजरअंदाज। गंदगी और बदबू से शहरियों को दुश्वारी का सामना। मुल्तान की पीर कॉलोनी नंबर 3 के इलाका मकीनों की गंदगी और सीवेज के बायस एहतजाज। अहले इलाका का कहना है कि 10 साल से इलाके में सीवेज लाइन नहीं डाली गई। इलाका मच्छरों की अफजाइश गाह बन गया। स्कूल के बच्चे भी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। मुल्तान के तारीखी दरबार हजरत शाह रुकन-ए-आलम का बैरूनी हिस्सा खस्ता हाली का शिकार। दरबार के मरम्मती काम में ताखीर। आसार कदीमा की जानिब से रिपोर्ट डीजी को पेश। मुल्तान कैंट स्टेशन से मुल्क भर में जाने वाली मुसाफर गाड़ियां सुस्त रवि का शिकार। 10 बजे कराची से मुल्तान पहुंचने वाली जकरिया एक्सप्रेस ताहाल लेट। ट्रेनों की ताखीर के बाद रोजेदार मुसाफिर परेशान। और खानेवाल में तेज बारिशों से गंदम की फसलें तबाह होने से किसान परेशान। गंदम खरीदारी मराकज पर काश्तकारों की तादाद कम। हुकूमत पंजाब का गंदम खरीद के हदफ का 20% भी पूरा ना हो सका। खरीदारी मराकज पर ओपन पॉलिसी के बावजूद किसान गायब। रवा साल गंदम के बहरान का खदशा।